हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यहाँ पे देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये रहा हमारा मेटल का सरफेस। इस मेटल के सरफेस पे हमने डाला एक रेडिएशन। फाइन, इस रेडिएशन का वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही ये रेडिएशन हिट करती है इस मेटल सरफेस को, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलती है। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए जब हम कोई सुइटेबल रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलती है। अब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। यानी इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट और वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू नॉट। इस पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज एनर्जी ऑफ द रेडिएशन दैट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा वर्क फंक्शन हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोल रहा है? जीरो। यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब इसको हम अगर स्प्लिट करते हैं, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। और वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज गिवन एज एच न्यू नॉट। अब ये क्या है मेरा? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। दोनों साइड से प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो एक ही है, हट गया। तो बचा क्या मेरा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन रेडिएशन इज इक्वल टू द न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी और द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो यहां से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय लैमडा। अब सी बाय लैमडा का वैल्यू हमें पता ही है, तो सी बाय लैमडा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी मेरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? जो मेरा गिवन वेवलेंथ है। बट दिस इज गिवन इन एमस्ट्रॉम, तो एमस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻¹ मीटर। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। इसको मैं जरा सेपरेट कर दू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 × 10⁸ 68, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये नीचे रहा, चलो मान लेते हैं 10⁻² ऊपर चला गया 10⁻+10। और फिर बाद में ये नीचे वाले को भी ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? × 10⁻²। तो मेरा कितना कैलकुलेट हो जाएगा? देखिए 18 − 2 16, तो सबको हटा देती हूँ, सीधा लिख देती हूँ 16। तो 3 / 68 × 10⁻⁙ मीटर से मीटर कट गया और रह गया सेकेंड इनवर्स। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा मेरा 0.0441 × 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। डेसिमल को थोड़ा सही जगह पे डालते हैं तो ये हो जाएगा 4.41 × 10⁻¹⁴ सेकेंड इनवर्स। यानी मेरा न्यू और न्यू नॉट दोनों कैलकुलेट होके आ गया और इनका वैल्यू कितना है? 4.41 × 10⁻¹⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां से हम वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे? W नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट,
तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करती हूँ, दैट इज 6.626 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 34। अच्छा मैं जरा ऊपर वाला पोर्शन रब कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे का लिखती हूँ, आगे हो जाएगा, यूनिट क्या है इसका, जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू 4.41 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अब इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो अब अगर आप देख सकते हो एक तरफ है सेकेंड इनवर्स में और एक तरफ है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स तो कट गया और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, जूल में। तो ये चीज हमें पहले ही मिल गया, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। फिर 10 के पावर में यहाँ 14 है, यहाँ -34 है। मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि पहले 10 को सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -20 इंटू, और बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 29.2। तो अगर आप देख सकते हो तो इट इज क्वाइट बिग वैल्यू, एक मेटल का वर्क फंक्शन अगर इतना ज्यादा होगा तो इट इज नॉट राइट, तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करें, बस डेसिमल को आगे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा डेसिमल को आगे कर दे, 2.92। अब ये रीजनेबल लग रहा है, -19 जूल, ये भी सही है, बट ये जो मैग्नीट्यूड वाइज ना, आप अगर ये 20 को ना देखो तो आपको लगेगा ये मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, और वही एलिमेंट वही मेटल लिए जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिन जो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन में भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल सीजियम, सीजियम सबसे अच्छा मेटल होता है फोटो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ये निकल गया हमारा वर्क फंक्शन और ये निकल गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको समझना है तो आई बटन पे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Then, ta-ta!